परम सत्कार योग सत्संग जीओ। सेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी विच बैठ के आप जी इन्हां दरगाही घड़ियां दा आनंद ले रहे हो। सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो, ता जो कीर्तन द्वारा आप संगता दी सेवा कर सकिए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दासां तो पहला आप जी ने आवाज विच रूहानी ताकत रखण वाले परम सत्कार योग बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले, उन्हां कोलों बड़ी वजद विच बड़ी लगन दे नाल ओ गुरु महाराज दा इतिहास आप जी नूं सरवण करा रहे सन, गुरबाणी दी कथा सरवण करा रहे सन। महाराज रहमत करन होर चढ़दी कला बख्शण। तो आओ जिन्हां भी संगतां दूरों नेड़े चल के आए हो, सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए।
Oh,
इनिया संगता बैठिया होन ते आवाज नाल गुरु दरबार ना गूंजे गल बनदी नी सत संगत जी करो कृपा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक दिन संगता नु किया के तुसी कीर्तन करो। संगत कह लगी महाराज ना राग आंदे ते ना साज। पंजवें पातशाह मुस्कुरा के कह लगे प्यारे ओ हिम्मत तुसी करो कृपा गुरु नानक साहब करन लगे। आखो सतनाम श्री। आवाज तुहाडी होवेगी पर विच बोल गुरु नानक साहब दे होणगे ते सतसंगत जिदे हिरदे विच गुरु नानक साहब बैठ के बोलन ओ किवें नहीं गा सकदा। इस करके आओ प्यारे ओ एक वरी दास बोलणगे एक वरी सारी संगत उच्ची आवाज विच लगवाओ हाजरी। कोई भी रसना वांझी ना रह जाए।
सत्कार योग सत्संग जीओ। सिख पंथ की अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती परम सत्कार योग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब उन्हां दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। सत संगत गुरु ऐसे जिदे वल केवल एक कदम प्यार नाल चलन दी लोड़ है, ओ करोड़ा कदम साडे वल चल के सानू अपने गल दे नाल लगा लैंदा है। गुरु इन्ना बख्शांदे साडे जन्मां जन्मां दे लेखे एक छिन विच फाड़ देंदा है। साडे झुकण विच देरी हो सकदी है, ओ साडे वड्डे तो वड्डे गुनाह बख्शण विच एक छिन वी नहीं लगांदा। सब तो वड्डी गल गुरु अपने सिख दी सिर्फ इस लोक विच ही नहीं बल्कि परलोक विच भी बाह नहीं छड़दा। एथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री। इतिहास में जिक्र आउंदे भाई लाल सिंह कारीगर सिख सी, बड़ी मेहनत नाल इसने एक ढाल बनाई, ढाल ते बना ली, ढाल बना के चले है गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू भेट करन। घरवाली ने कहा पति दे चले ओ कलगियां वाले नू ढाल भेटा करन, जिस वेले महाराज दात देन लगन ते झोली अगे कर लियो। भाव मन विच निम्रता रखियो, मन विच निम्रता रखोगे ते जो मंगोगे सतगुर देवेगा। लाल सिंह बड़े चा नाल चलिया, जिस वेले सतगुरां दे दरबार पहुंचिया, जिस तरह आप सजे हो इयो ही संगतां सजियां सन। जिवें हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा प्रकाश है, इयो सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज विराजमान सन। सीस ते कलगी नूरी नूर चेहरा, इलाही दरबार सज रहे है। लाल सिंह ने जाके मथा टेकिया, सतगुरां नू ढाल भेट कीती ते कह लगा महाराज मैं बड़ी श्रद्धा दे नाल बड़ी मजबूत ढाल बनाई है आप जी वास्ते, क्योंकि आप जी धर्म दी रखिया वास्ते जालमां नू खत्म करन वास्ते जंग लड़दे हो, उस जंग विच मेरी ढाल भी सेवा करे। सतगुरां ने ढाल अपने हाथ विच लई, उल्ट पुल्ट के तकिया ते कहन लगे लाल सिंह भी ढाल ते तेरी वाकई बड़ी मजबूत लगदी है, बड़ी सोहनी और मजबूत बनाई है। हुण सुनन नूं इस वेले हो सकदा है सानू भी मामूली लगे ए गल, पर ए गल मामूली नहीं सी। परे दरबार विच ए गल कौन कह रहे है, अर्शां दा मालक दसवां गुरु नानक, जिदे दर ते राजे महाराजे पीर फकीर संत महापुरश आके नमस्कारा करदे ने। ओ कलगियां वाला परी संगत विच कह रहे है लाल सिंह तेरी ढाल बड़ी मजबूत है। ते लाल सिंह नूं इंज लगा जिवें मैं आकाश विच उड़न लग पिया। आखो सतनाम श्री। प्यार दी जगह हंकार ने लै लई, चाहिदा ते ए सी के गुरु दे चरणां नाल लिपट जांदा। कहिंदा सतगुर तेरी मेहर नाल बनाई है, मेरे भाग चंगे हन ए तुछ जी भेटां तुसां परवान कीती ए ख्याल नहीं आया। कह लगा हां महाराज मैं ढाल इन्नी मजबूत बनाई है कि जे तुसी भी गोली चलाओ ते ढाल दे पार नहीं हो सकदी। एक मिनट विच हंकार आ गया ते महाराज जेड़े हुण तक बड़े प्यार नल ढाल नो उल्ट पुल्ट के देख रहे सन हाथ उठे रुक गया। हर जियो हंकार ना पावई, उन्हों हंकार चंगा नहीं लगदा। ढाल उसे वेले लाल सिंह नो पकड़ा दिती, कहन लगे एले लाल सिंह तेरी ढाल बड़ी मजबूत है, इस तरह कर घर लै जा, इनू होर मजबूत कर, कल खुले मैदान विच इहदी परख करांगे, कल असी आप निशाना लावांगे, गोली चला के देखांगे कि तेरी ढाल दे पार हुंदी है कि नहीं। आखो सतनाम श्री। हुण लाल सिंह दे मन नूं झटका लगा, ऐ मना मैं की कह बैठा, गुरु ते जो चाहे कर सकदे पर इत्थे करामात दी भी गल नहीं।
ताल लई घर नूं मुड़ पिया। घर पहुंचिया घर वाली उड़ीकदी सी के पति देव कलगियां वाले कोल गए हन बड़ियां दातां लैके आणगे। पर घर वाली ने देखिया ताल हाथ विच है, पति दा सिर चुकिया होया, पैरां विच तेजी नहीं, चेहरे दा रंग उड़िया होया, अखां विचों अथरू डिगदे ने। दिल तड़किया पता नहीं की हो गया, भज के कोल आई हाथ विचों ताल पकड़ लई। कहन लगी पति देव की होया है, किसे ने तुतकारे है, किसे ने माड़ा की है, किसे नल झगड़ा होया है, किसे ने दरबार विच नहीं जान दिता, अखां विच हंजू ने। ओए गुरु दे दर ते जेड़ा जावे ओदी ते खुशी नहीं चली जांदी, गुरु ने कोई दात नहीं दिती। ते लाल सिंह सत संगत मन भरिया होया सी, एकदम रो पिया ते रो के कहन लगा पलिए लोगे, गुरु ते दात देन लगा सी, पर गुरु दी दात बड़ी वड्डी सी, मेरी झोली छोटी निकली। सतगुरु ने किया तेरी टाल बड़ी मजबूत है, ते मैं हंकारी हो गया। मैं क्या हां सतगुरु इनी मजबूत है कि तुहाडा वार भी नहीं हो सकता। सत संगत घर वाली बड़ी सिदकवान सी, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਦਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਦਕੇ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈਣਾ, ਆਓ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। गुरु साड़ी लाज रखेगा, ओ पिता है ओ मां भी है, बच्चे भुल जांदे ने ओ बख्श लैंदे। कड़ा प्रसाद तैयार करके दोनों जी खड़े हो गए, अपने अपने गल विच दोनों जिया ने पल्ला पाया, ते अरदास भी कैसी पे करदे ने। सत संगत इत्थे बहुते लफ्जां दी लोड़ नहीं हुंदी अरदास वास्ते, केवल प्यार दी लोड़ है। दो चार लफज आखे केड़े, ए कलगियां वाले पिता साड़ी लाज रखी, तेरी गोली साड़ी ढाल दे पार ना होवे। बस एने की बोल हन। दिन चढ़िया, खुले मैदान दे विच संगता खलोतियां ने, दोनों पासे मैदान दे संगता, ते मैदान दे विचकार भाई लाल सिंह दोनों हत्था नल ढाल पकड़िए आके खलो गया। ते भाई लाल सिंह ने एक बारी खलोतियां संगता वल तकिया, फिर दोनों हत्था नल ढाल पकड़ के ते अखां बंद कर लिया, ते अखां दे सामने गुरु नू ले आंदा। ते संगता ने जयकारे बुलाने शुरू कर दिते, क्योंकि उस मैदान विच शाहां दा शाह नासुरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह नीले घोड़े ते सवार होके उस मैदान विच आए। नाल हन भाई दया सिंह, जेडे पंजां प्यारियां विचों पहले प्यारे सन, बंदूक उन्हां दे हाथ विच है। महाराज दा ऐसा रूप सी, आम प्रभात फेरियां ते गुरपुरबां ते संगतां ए पंगतियां पढ़दियां ने। नीला घोड़ा बांका जोड़ा हाथ विच बाज सजाए ने, चलो सिंगो रल दर्शन करिए, गुरु गोबिंद सिंह आए ने। पिता जिन्हां दा तेग बहादुर, माता गुजरी जाए ने। ऐसा ही रूप सी जिस वेले मैदान विच आए, सामने देखिया लाल सिंह खलोते, पर अज लाल सिंह दे मन विच हंकार नहीं, अज अरदास है कलगियां वाले पिता, मेरी लाज रखी, तेरी गोली साडी ताल दे पार ना होवे। इधर सतगुरा ने भाई दया सिंह नूं इशारा कीता, दया सिंह ने बंदूक सतगुरा नूं पकड़ा दित्ती, सतगुरा लिया निशाना ढाल लाल सिंह दी ढाल दा, इधर सतगुरा निशाना लिया ते उधर हुण भाई लाल सिंह ने अरदास शुरू कर दित्ती। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाए, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री
हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाए। इथों तक अरदास धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप लिखी है। उधर भाई लाल सिंह अरदासा कर रहे हैं, इधर सतगुरु जी बंदूक दा बटन दबान लगे, सामने ढाल वाल देखिया ते ढाल विच धन गुरु नानक साहब नजर आए। हाथ थले आ गया, फिर दोबारा निशाना लिया, भाई लाल सिंह जुड़िया हुए है। फिर गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब, गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर ढाल ते नजर आई। हाथ फिर थले आ गया, तीसरी वरी फिर निशाना लिया, फिर लगे सतगुर बंदूक दा बटन दबान ते भाई लाल सिंह जुड़िया होया। कहंदे तन तन दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाए ते सत संगत सतगुरां नूं अपनी तस्वीर भी ढाल विच नजर आई। हुण मुस्कुराए, नीले घोड़े तो थले उतर पए, हौली हौली चलदे सतगुर भाई लाल सिंह कोल पहुंचे, जिन्हों कोई पता नहीं की भाणा वरत रहे है, की कौतक वरत रहे है, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं। सतगुर भाई लाल सिंह कोल पहुंचे, उदा मोढ़ा पकड़ के हिलाया ते कह लगे, लाल सिया ओ बेटा तू जित गया ते मैं हार गया। सत संगत इस संसार विच कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसे पीर फकीर पैगंबर ने किसे अवतार ने अपने सेवक नूं किया होवे कि तू जित गया ते मैं हार गया। गुरु ने ए नहीं सोचिया कि कल नूं इतिहास की कवेगा, उन्हां ते ए देखिया कि मेरे सिख दा सिर नीवा ना होवे, मेरे सिख दी अरदास बिरथी ना जावे। जद किया सिखा तू जित गया ते मैं हार गया, ते सत संगत भाई लाल सिंह जारो जार रोया, इउं रोया जिवे बच्चे रोंदे ने। कह लगा, सतगुरु तुसी किवें हार सकदे हो, हारी है मेरी होमे, हारिया मेरा हंकार। सतगुर कह लगे, नहीं सिखा, निशाना लिया सी मैं, पर मैनू धन गुरु नानक साहब नजर आए। जिदे सिर ते गुरु नानक दा हाथ होवे उदा कोई कुछ नहीं विगाड़ सकदा। सत संगत ए है अरदास दी शक्ति, ए है भावना प्यार दी शक्ति, जिदे मन विच प्यार उदे घर विच प्यार होवेगा, ते जिदे घर विच प्यार होवेगा उनू स्वर्ग लब्बण दी लोड़ नहीं, फिर उदा घर ही उदा स्वर्ग होवेगा। आखो सतनाम श्री। एक बेनती कर दईए सत संगत, कई बार साडे जीवन विच ऐसी परिस्थिति आ जांदी है कि साडा सारा धन मिला के भी उस परिस्थिति नूं ठीक नहीं कर पांदा, उस मुश्किल नूं हल नहीं कर सकदा। पर असी बेनती करिए, जिन्हां ने अपने जीवन विच दुआवां कमाईयां ने ना, असीसां लईयां ने, उन्हां दे जीवन विच जदों कोई ऐसी परिस्थिति आंदी है ते वड्डी तों वड्डी मुश्किल भी इस तरह हल हो जांदी है जिवें कुछ होया ही नहीं सी, ते दुनिया कहती है इते चमत्कार हो गया इन्हां दे जीवन विच, पर असल विच ओ चमत्कार नहीं, इते उन्हां दीयां जमा कीतियां होईयां दुआवां नाल ओ कम होया है, दुआवां कम करदियां ने। आओ सारे मिलके जपो जी।
प्राप खलोया Yeah.
इन्हां गुरु के प्यारिया ने पर उपकारी श्रद्धावान संगता ने कीर्तन का सत्कार कर दिया होया जगाधरी यमुना नगर विखे चल रहे मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दिया उना लोड़वंद बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है। असी दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे पावन चरना विखे अरदास कर दे आ के सतगुरु आप सब दी किरत कमाई कारोबारा विच बरकत बख्शन आन वाला समा तुहाडा सारिया का सुखा भरिया आवे मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन। सतसंगत जी कल सवेरे अमृत वेले 4 to 5 o'clock तक गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार विखे दसां दे जत्थे वल्लों नाम सिमरन दी हाजरी भरी जाएगी। आप समूह संगतां ने उत्थे भी पहुंच के गुरु महाराज दीआं खुशियां प्राप्त करनियां ने। कल शाम नूं फिर इसे तरह 7:15 to 8 o'clock तक आप संगतां दी कीर्तन द्वारा सेवा करांगे। दसां तो बाद परम सत्कार योग भाई साहब भाई पवित्र सिंह जी रुड़का आप जी नूं गुरु जस द्वारा निहाल करनगे। फतेह बुलाओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।